तो इसलिए फाउल लाइन को आपको देखना नहीं है, सिर्फ जंप करना है। जंप के दौरान कुछ बंदे, गर्ल्स बॉयज टेक अप बोर्ड पर गलती क्या करते हैं कि वे इस तरह से कूदते हैं, ज्यादा एफर्ट्स नहीं करते, ज्यादा हाइट भी नहीं लेते। उसी पैर से टेक ऑफ लेना है जो आपका पावर लेग है, जिससे आपने लॉन्ग जंप ट्रेनिंग की है। 1-2 फुट ऊंचाई पर बांधकर सिंपली इस तरह लॉन्ग जंप ट्रेनिंग करनी होती है। आज हम जानेंगे कि किस तरह हमें लॉन्ग जंप करना चाहिए, कौन कौन सी ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं, यह नहीं कि ऐसे ही दौड़ के आ गए और लॉन्ग जंप कर लिया। लॉन्ग जंप टेक्निकल फील्ड इवेंट है, इसके लिए टेक्निक्स और कुछ ट्रिक्स होती है। कैसे हमें दौड़ना है, लॉन्ग जंप में टेक ऑफ कैसे लेना है, लैंडिंग कैसे करनी है, लॉन्ग जंप ट्रेनिंग कैसे करनी है और कौन कौन सी जरूरी लॉन्ग जंप एक्सरसाइज हमें करना चाहिए, जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। यह सब कुछ ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप एक भी टिप मिस करते हो तो लॉन्ग जंप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो पहले जानेंगे कि किस तरह से हमें लॉन्ग जंप करना है और कौन कौन सी ट्रिक्स हमें यूज करनी चाहिए। इसके बाद लॉन्ग जंप बढ़ाने वाली एक्सरसाइज के बारे में भी हम जानेंगे। लॉन्ग जंप में स्टेप्स होते हैं छोटे। दौड़ के दौरान पैरों को हाई नी पोजीशन में उठाकर दौड़ा जाता है, यानी टेक ऑफ बोर्ड की ओर दौड़ते समय आपके पैरों को हाइट पर उठाकर दौड़ना है। दौड़ने के दौरान आपके स्टेप्स छोटे होने चाहिए, आपके दौड़ने की स्पीड तेज होना चाहिए। स्पीड और ऊंचाई लेके कूदने का गेम है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप रनवे पर दौड़ते आना है, आगे पैर निकालना है और टेक ऑफ बोर्ड से बॉडी को इस प्रकार ऊपर फेंकते हुए टेक ऑफ लेना है और फिर हाथों से सपोर्ट लेते हुए आगे की ओर आपको गिर जाना है। जितनी ज्यादा आपके दौड़ लगाने की स्पीड होगी, उतना ज्यादा आपकी स्पीड आपको सैंड पीट में दूर तक आगे की ओर फेंकेगी। शुरुआत में जब आप लॉन्ग जंप के लिए प्रैक्टिस करो तो किसी को भी यह नहीं देखना है कि फाउल हो रहा है। सबसे पहले आपको जंप करना सीखना है और जंप डिस्टेंस को इंक्रीज करना सीखना है। जब आप फाउल लाइन देखने लग जाओगे ना, तो जंप इम्प्रूवमेंट वैसी नहीं होगी जैसी आप चाहते हो। तो इसलिए फाउल लाइन को आपको देखना नहीं है, सिर्फ जंप करना है। और जब आपका जंप 10 से 12 फुट आने लग जाए, तो इसके बाद हम इस वीडियो में आगे फाउल लगाना सीखेंगे, यानी फाउल से बचना सीखेंगे। जंप के लिए रनवे पर दौड़ना कैसे है और कूदना कैसे है, यह समझ लेते हैं। रनवे पर पूरी दूरी का उपयोग कर दौड़ लगाते हुए आना है और अपने एक पैर के घुटने को मोड़कर ऊपर तक लाना है, जितना आपसे हो सके ऊपर तक लाना है। फिर हाइट लेके कूदना है कुछ इस तरह से। जंप के दौरान कुछ बंदे, गर्ल्स बॉयज टेक अप बोर्ड पर गलती क्या करते हैं कि वे इस तरह से कूदते हैं, ज्यादा एफर्ट्स नहीं करते, ज्यादा हाइट भी नहीं लेते। इस तरह नहीं कूदना है, बल्कि इस तरह हाइट लेकर और अपनी बॉडी को आगे फेंकते हुए ही कूदना है। इससे जंप डिस्टेंस बढ़ेगा, साथ ही लैंडिंग आपकी इंप्रूव होती जाएगी। अब फाउल को सुधारना कैसे है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। लॉन्ग जंप रनवे जिसकी मिनिमम लंबाई 40 मीटर और मैक्सिमम लंबाई 45 मीटर होती है, तो आप रनवे पर कोई एक दूरी डिसाइड कर लो कि आपको इतने मीटर की दूरी से दौड़ लगाकर उसी पैर से टेक ऑफ लेना है जो आपका पावर लेग है, जिससे आपने लॉन्ग जंप ट्रेनिंग की है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 40 मीटर दूर से दौड़ लगाकर लॉन्ग जंप करते हो, वहां पर एक चेक मार्क यानी कि एक निशान लगाना है। निशान के तौर पर आप कुछ भी चीज रख सकते हो और वहीं से पूरी स्पीड से दौड़ते हुए लॉन्ग जंप कूदना है। अब मान लो कूदने पर आपका फाउल हो रहा है या आपका पैर फाउल लाइन से आगे जा रहा है, तो जहां आपने मार्क लगाया है वहां से अपने स्टेप्स पीछे कर लो। और यदि आपका पैर टेक ऑफ से पीछे हो रहा है तो उसी प्रकार स्टेप्स आगे कर लो। इसी तरह आपको स्टेप्स एडजस्ट करना है प्रैक्टिस कर करके।
तो यह तो बात हुई रनवे पर स्टेप्स एडजस्ट करके कूदने की। एक और एडिशनल टिप जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो यह है कि लॉन्ग जंप फिजिकल टेस्ट के लिए आपको नई जगह और नए मैदान में जाना पड़ेगा। वहाँ चेक मार्क्स लगाकर दौड़ने की टेक्निक काम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर शायद आपको लॉन्ग जंप ट्रायल प्रैक्टिस न लेने दिया जाए और ना ही चेक मार्क लगाने दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल टेस्ट में लॉन्ग जंप कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि चेक मार्क केवल लॉन्ग जंप सीखने और केवल ट्रेनिंग के लिए लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको फिजिकल टेस्ट में चेक मार्क लगाने और स्टेप्स को काउंट करने दिया जाएगा। तो चेक मार्किंग आदत को छोड़ने के लिए आप क्या करें? इस आदत को छोड़ने के लिए आप रेगुलर बेसिस पर रोजाना कम से कम 40 से 50 मिनट दौड़ दौड़ कर टेक ऑफ और लैंडिंग ट्रेनिंग करते रहें, जिससे 5-7 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको चेक मार्क लगाने और ना ही स्टेप्स को काउंट करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। केवल और केवल आपकी लॉन्ग जंप ट्रेनिंग ही आप में परफेक्शन बढ़ाएगी। तो इसलिए रोजाना ट्रेनिंग जरूरी है। रेगुलर बेसिस ट्रेनिंग से आपका पैर ऑटोमेटिकली टेक ऑफ बोर्ड पर ही आने लग जाएगा और आप अपना 100% दे पाओगे। लॉन्ग जंप ट्रेनिंग के साथ साथ रोजाना लॉन्ग जंप को बूस्ट करने वाली एक्सरसाइज भी जरूरी है। तो मैं आपको दो ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ, जिसे अगर आप कुछ दिन प्रैक्टिस करते हो तो विश्वास कीजिए आपकी जो लॉन्ग जंप है वो पहले के मुकाबले 2 से 3 फुट तक आगे बढ़ जाएगी। तो पहली एक्सरसाइज हम लेंगे ब्रॉड जंप एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज आपको लॉन्ग जंप करने में बहुत मदद करने वाली है। इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरह से करना होता है। आपको केवल खड़े हो जाना है और फिर अपनी पूरी ताकत से आगे की ओर ब्रॉड जंप करते रहना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यह जो एक्सरसाइज है यह हमें टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त बहुत मदद करती है। लैंडिंग के दौरान बॉडी बैलेंस को बढ़ाती है, लॉन्ग जंप को इम्प्रूव करती है। तो रोजाना 5 से 8 मिनट इस एक्सरसाइज को जरूर करें। लॉन्ग जंप ट्रेनिंग थ्रू हर्डल। इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरह से हर्डल बैरियर या स्ट्रेचेबल रबर की रस्सी को सैंड पीट पर 1-2 फुट ऊंचाई पर बांधकर सिंपली इस तरह लॉन्ग जंप ट्रेनिंग करनी होती है। इस एक्सरसाइज से आपको टेक ऑफ बोर्ड से ऊंचाई लेकर लैंडिंग करने में मदद मिलती है। इसे करते वक्त अपने घुटनों को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाकर टेक ऑफ करें। यह जो एक्सरसाइज है आपको टेक ऑफ के वक्त आपके लॉन्ग जंप की ऊंचाई और दूरी दोनों को बढ़ाएगी, जिससे आपकी लैंडिंग दूरी 1 से 2 फुट आसानी से बढ़ेगी। रोजाना 10 से 20 मिनट इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए लॉन्ग जंप फिजिकल टेस्ट तक रनवे से दौड़ दौड़ कर लॉन्ग जंप ट्रेनिंग करते रहें। तो देखा दोस्तों, अब आप जान ही चुके होंगे कैसे लॉन्ग जंप को क्लियर किया जाता है और कैसे लॉन्ग जंप एक्सरसाइजेस की जाती है। एक्सरसाइजेस के साथ साथ रोजाना केवल 30 से 40 मिनट रनवे पर दौड़ दौड़ कर लॉन्ग जंप ट्रेनिंग करने से आपके लॉन्ग जंप में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हो सकती है।